देश की जनता तय करी, जो लाखों श्रद्धालु रोज आते हैं उनके मन में श्रद्धा भाव है तभी वे आते हैं, और मंदिर पूरा नहीं हुआ था तो वह क्यों आते। इनके कहने पे मंदिर की जो जो मामला है वो इनके कहने पे चलने वाला नहीं है। मंदिर पूरा है या नहीं है ये जो पंडित लोग हैं, जो लोग ज्ञानी लोग हैं उनके ऊपर छोड़ देना चाहिए, इनके कहने पे नहीं। परंतु ये लोग कभी राम मंदिर जाएंगे नहीं। अच्छा। उसका कारण है इनका जो ये जो जिहादी मैनिफेस्टो है उसमें बड़ा स्पष्टता से उन्होंने लिखा है कि हम देश के अंदर पर्सनल लॉ मतलब शरीयत लॉ वापस लेकर आएंगे, और शरीयत लॉ के अंदर मुसलमान धर्म के अलावा दूसरे धर्म के किसी भी मंदिर में या पूजा स्थल में जाने से मनाई है। अच्छा। तो अब ये तय करने जी, ये तो शरीयत लॉ के अनुसार काम करेंगे तो ये कैसे जाएंगे, क्योंकि उन्होंने लिखा है पेज नंबर 8 पैर नंबर 7 में बड़ा स्पष्टता से लिखा है कि कांग्रेस विल इंश्योर दैट एवरी सिटीजन माइनॉरिटीज हैव द फ्रीडम ऑफ चॉइस ऑफ ड्रेस फूड लैंग्वेज एंड पर्सनल लॉस। तो पर्सनल लॉ मतलब शरीयत लॉ, तो इनसे अपेक्षा करना कि ये भगवान राम के दर्शन करने जब भगवान राम लला के दर्शन करने मंदिर जाएंगे ये बड़ी बहुत दूर की बात है। ठीक है आरपी जी, आपने आपने जो बात कही मैं दीपक जी से उसी पर सवाल लूंगी। हर बार दीपक जी से पहले दर्शन तो छोड़िए, नॉमिनेशन से पहले ऐसी खबरें थी कि अखिलेश यादव कन्नौज से नॉमिनेशन करें तो उससे पहले दर्शन करने के लिए जाएंगे। दर्शन तो छोड़िए, समाजवादी पार्टी के नेता तो डिबेट में भी पार्ट नहीं लेते हैं, अगर आप राम मंदिर का मुद्दा रख लीजिए या बात कर लीजिए उनसे तो इतना क्यों डर है? ऐसा नहीं है, मैं पिछली बार भी था और अब भी हूँ, और जब भी आप बुलाते हैं आप आते हैं, कई चैनलों में रहता हूँ। देखिए राम जो है कण कण में बसे हुए हैं, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये तो चुनावी हिंदू है, ये तो चुनाव के टाइम में जाते हैं। अच्छा। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखिए अगर हिंदू वाली बात है, मुलायम सिंह जी की डेथ हुई, पूरा हिंदू कर्म कांड से अखिलेश जी ने जो रीति परंपरा है निभाई, इन्होंने अपनी माँ के टाइम में गए, उसके बाद इन्होंने कोई कर्म कांड कोई 4 एकड़ के मकान में अपनी माँ को नहीं रख पाए। देखिए मैं आपको बताता हूँ सर, तो क्या ये किसी ने सर, मैंने कल भी ये बात कही थी। दीपक जी आप टोक नहीं, लेकिन आप गलत बात करेंगे तो सर बोलूंगी, मैं आपकी बात खत्म होने का इंतजार करूंगी, लेकिन अगर आप ये किसी का पर्सनल मैटर है, मैं बार बार ये बात कहती हूं, बताइए वो क्या कह रहे हैं। किसी ने स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी की मृत्यु के बाद सवाल खड़े किए थे कि आपने क्या कर्मकांड अपनाए, आपने क्या नियम फॉलो किए, सर किसी ने पूछा था ये नहीं? मैं सर मैं स्पोक्स पर्सन नहीं बन रही हूँ, लेकिन अगर अगर आप किसी के व्यक्तिगत जिंदगी में इंटरफेयर करेंगे, सवाल पूछेंगे तो मैं भी पूछूंगी आपसे। दिखेंगे भी हिंदू है तो दर्शन करने से क्यों परहेज है फिर? आपको बताइए हिंदू है तो दर्शन करने से परहेज क्यों है फिर? अपनी माँ के साथ उन्होंने कर्म कांड उनका क्यों नहीं किया? वो बड़े थे, उन्होंने क्यों नहीं किया अपने उसके अंदर जाके? लेकिन क्यों नहीं किया? क्योंकि वो अपने आप को चुनावी हिंदू है, और 38.5% मैं इस पे जवाब लेती आप लोगों से, लेकिन आरपी सिंह से रिएक्शन नहीं है। 38.5% के अंदर उनकी बातें वो क्या नहीं, वो क्या कह रहे हैं मैं ये समझ रही हूँ, ये क्या कह रहे हैं मैं उसको समझ रही हूँ। 38.5% में भी 35-36% आपको हिंदू दे रहे हैं, 65% आदमी तो आपको देश का हिंदू आपको वोट ही नहीं कर रहा। आप ये बड़ी दिक्कत, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दीपक जी, ये गलत बात है, ये गलत बात है। कल भी राहुल गांधी ने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया उस पर भी आपत्ति थी सर। कल भी राहुल गांधी ने दर्शन के लिए आस्था के लिए या दर्शन का जो वीडियो 4 महीने पहले सामने आया उस पर सवाल खड़े किए सर, उस पर भी आपत्ति थी, और आज आप जो कह रहे हैं उस पर भी आपत्ति है मुझे। देखिए अभी वरुण जी ने भी कहा जैसे आप कोई आदमी अपने घर के अंदर पूजा करता है और जब मौका आएगा सब जाएंगे, चुनाव के समय में नहीं जा रहे। सौरभ जी मैं आपसे रिएक्शन लूंगी, रुकिए मैं आपके 20 सेकंड आपने बीजेपी पर सवाल खड़े किए ना, मैं जल्दी से सर जल्दी से मुझे पास देखिए एक बात बताओ, मंदिर में लोग जाते हैं तो पुजारी और लोग उनके इंतजार नहीं करते हैं, लोग राम के दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान के दर्शन। यहाँ पे सारे पुजारी वो ऐसे कि जैसे राम हो गए नरेंद्र मोदी। आपने जो सवाल पूछे ना उनकी माँ पर, मैं उस पर आरपी सिंह से रिएक्शन लूंगी, फिर सौरभ दुबे। आरपी सिंह रुके सौरभ जी रुके, आरपी सिंह जी सर 20 सेकंड जवाब दीजिए फिर सौरभ दुबे। देखिए कितनी घटिया और कितनी नलायक सोच है कांग्रेस पार्टी और सपा पार्टी के प्रवक्ताओं की और विपक्ष के पार्टी के प्रवक्ताओं की। ये किस प्रकार से निजी जो कर्म कांड है उस पर भी ये आक्षेप लगाते हैं, हमला करते हैं। क्या बोल रहे हो आप? मैंने क्या बोला? देख रहे हैं आपके देख रहे हैं, अब नहीं रोक रहे हो? ठीक जो आप क्या बोला मैंने? नहीं नहीं दीपक जी ने बोला, वरुण जी ने नहीं बोला है। सही बात बोली है, जो भी बोला है वो आपने बोला है। मैं ये कह रही हूँ जो भी बोला है वो आपने बोला, वरुण जी ने कुछ नहीं बोला है। अच्छा रुकिए पूरा करने दीजिए, पूरा करने दीजिए। आपकी सोच को नलायक नहीं बताया। अरे सर ये जो बोल रहा है आप उसको जवाब दीजिएगा ना, जो बोल रहा है उसको जवाब दीजिए। आरपी सिंह जी 10 सेकंड जल्दी से, सौरभ दुबे जल्दी से।
नहीं नहीं, मुझे नहीं पता था कि वरुण जी कांग्रेस में है। मुझे तो पिछले दिनों पता लगा वरुण जी कांग्रेस छोड़ चुके हैं। मैं तो कहा जो कांग्रेस के और सपा के, मैं तो कहा और विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं की जो सोच है वो परिलक्षित करती है कि किस घटिया पंथ तक जा सकते हैं वो निजी कर्म कांडों पर किस प्रकार से प्रश्न उठाते हैं। देखता है जाना भी मंदिर में जाना भी तो निजी है, किस हद तक आप भी तो उठा रहे हैं क्या कर रहे हैं ये मुसलमान वोटों का चलते हुए किस हद तक जा सकते हैं। नहीं ठीक बात, दीपक जी ठीक बात कह रहे हैं सौरभ जी, मंदिर जाना भी सबकी अपनी आस्था का विषय है, ये उनका निजी विषय है। ये आप सवाल नहीं पूछेंगे कि आप राम मंदिर कब जाएंगे, काशी कॉरिडोर देखने के लिए कब जाएंगे, या जो स्टैचू बनाया गया गुजरात में उसे देखने कब जाएंगे। ये अपना मतलब है, अपनी आस्था है, आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं उस पर। नहीं ठीक है, देखिए हनुमान चालीसा में एक लाइन लिखी है ना कि हो तन आज्ञा बिनु पैसारे, बिना हनुमान जी की आज्ञा से भगवान राम के दर्शन मिलते भी नहीं है। और हनुमान जी आज्ञा भी उन्हीं को देते हैं जिनका मन जो है वो पवित्र होता है, जिनके मन में जो है हिंदुओं को लेकर के जो है वो जो हिंदुओं का दुष्प्रचार करने वाले लोग हैं, जो सनातन के खिलाफ बोलने वाले हैं, उनको भगवान राम के जो है वो दिव्य दर्शन भी प्राप्त नहीं होते। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, आप एक बात बताइए, जो सनातन को जानता है वो सनातन में अच्छे से जानता है कि सोमवार को भगवान शिव का जो है वो दिन रहता है, कई लोग उनका व्रत रखते हैं, इसी प्रकार से मंगलवार को हनुमान जी का होता है, हर एक दिन जो है सनातन में जितने लोग हैं सब जानते हैं हिंदू। तो जो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा का दिन है वहां तो जाएंगे ना भाई। आपके घर में अगर कोई अब सात्विक कार्य हो रहा है और उसी दिन आप बुला रहे हैं तो आपके यहाँ लोग आएंगे। निमंत्रण देना आपका काम है, वो कह रहे हैं निमंत्रण देना आपका काम है, जाना नहीं जाना ये मेरी मर्जी। बिल्कुल नहीं जाना उनकी मर्जी है, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति सनातनी है, जो व्यक्ति तन मन धन से जुड़ा है वह हिंदू दिखेगा और रहेगा, वही तो जाएगा मंदिर। और पैसे है नहीं, जो पाखंडी है, जो चुनाव के समय जनेऊ चढ़ा लेगा, जो अंदर जो है टोपी पहनेगा बाहर तिलक लगा लेगा, वो थोड़ी ना जाएगा सनातन। आपके मजार के वीडियो है, आप जाइए मत जाइए, लेकिन जनता जो है ना वो इस बात को जरूर आपके तो मजार में चंदन चढ़ाते वीडियो है। जब व्यक्ति पैदा होता है तब भगवान का नाम लिया जाता है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसने बनाया, तब भी राम नाम सत्य बोला जाता है। राष्ट्रीय मुस्लिम मंच किसने बनाया, सृष्टि के अंदर जो है ना विराजमान है, सुबह भी राम से होती है और शाम भी राम से होती है। दीपक विजय आपने कहा, आपने कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध करना, आपने कहा, आपने कहा ये राजनीतिक कार्यक्रम था, मतलब आप ये कह रहे हैं कि संत समाज से लेके अलग अलग क्षेत्र की जो हस्तियां वहां प्रभु श्री राम के दर्शन करने के लिए प्राण प्रतिष्ठा में भाग लेने के लिए पहुंची थी, सब राजनीतिक है, हर व्यक्ति राजनीतिक था। आप भगवान को राजनीति से क्यों जोड़ देते हैं, मैं समझ में नहीं आता है। नहीं गए ठीक है, लेकिन ये राजनीतिक कार्यक्रम बीजेपी का इवेंट क्यों बार बार ऐसी बातें कह रहे हैं? आप नहीं गए इसलिए बीजेपी का कार्यक्रम साबित करने में तुले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोल रहे थे, जल्दी से बोलिए फिर आचार्य मिश्रा, जल्दी से बोलिए दीपक जी। पहली बात तो देखिए मैं बताता हूँ कि इनका कितना वो खोखलापन है। पूरे देश में किसी भी राजनीतिक पार्टी का मुस्लिम मंच नहीं है, केवल बीजेपी का है राष्ट्रीय मुस्लिम मंच, जिसे आरएसएस के इंद्रेश जी चला रहे हैं। ठीक है, अब आप दूसरी उस पर आ जाओ, जो राजनीतिक कार्यक्रम में किसी भी मंदिर में होगी तो वहां का मुख्य पुजारी या वहां के जो यजमान होंगे वो करेंगे।